सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध को अमोनिया के निर्माण समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु हैं। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वहीं हाइड्रोजन को अपना अष्टक, इसका अष्टक कैसे पूर्ण होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सहसंयोजक बंध में आयनिक बंध की तरह तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते या ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि वह इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं। जैसे यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया है, यहाँ हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में पूर्ण हो गया, यहाँ भी इस हाइड्रोजन का भी बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया, यहाँ भी इस हाइड्रोजन का भी बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गया। उसी प्रकार नाइट्रोजन का भी साझा करने के पश्चात बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए। तो सहसंयोजक बंध इस प्रकार होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉन 2 या अधिक तत्वों द्वारा साझा कर लिए जाते हैं। सहसंयोजक बंध के यहाँ कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यहाँ कार्बन का 1 अणु है और क्लोरीन के 4, जो आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हुए हैं। उसी प्रकार मीथेन में CH4, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के अणुओं के बीच। जल में सहसंयोजक बंध होता है, जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का HO-H बॉन्ड बनता है। उसी प्रकार अमोनिया में भी अभी हमने समझा, और हाइड्रोजन में भी सहसंयोजक बंध होता है H और H। ऑक्सीजन में भी सहसंयोजक बंध होता है, 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का 1 अणु बनाते हैं। एथीन में 2C और 4H होते हैं। नाइट्रोजन में भी सहसंयोजक बंध होता है, नाइट्रोजन के 2 एक एक परमाणु आपस में मिलकर 2 परमाणु आपस में मिलकर 1 अणु का निर्माण करते हैं। एथाइन में भी सहसंयोजक बंध होता है, कार्बन के 2 परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के 2। अब आते हैं आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिकों के गुण। देखिए, परमाणु द्वारा संयोजी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के त्यागे जाने अथवा ग्रहण किए जाने से आयनिका बंध बनते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं, और इलेक्ट्रॉनों के साझा करने से सहसंयोजी बनते हैं। तो ये यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाए जाते हैं उन्हें आयनिका यौगिक कहते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। उसी प्रकार जिनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है उन्हें सहसंयोगी यौगिक कहा जाता है। इनके गुण, आयनिक यौगिक अधिकतर जल में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें विपरीत आयन आपस में प्रबल वैद्युत आकर्षण द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए इनके आकर्षण को तोड़ने के लिए बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक यौगिक जल में घुलने तथा पिघली हुई अवस्था में आयनित हो जाते हैं, अतः ये वैद्युत के सुचालक होते हैं। वहीं सहसंयोजी यौगिक के गुण, सामान्यतः सहसंयोजी यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में प्रायः कम होता है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें आयनीकरण नहीं होता है। यहाँ एक क्रियाकलाप देखते हैं। सबसे पहले 4 बीकर लीजिए, उसमें 100 ml का पानी डाल देते हैं। फिर हर एक बीकर को अलग अलग नाम देते हैं, बीकर क ख ग घ। बीकर क में 2 चम्मच साधारण नमक डालते हैं, ख में 2 चम्मच कैल्शियम क्लोराइड, ग में 2 चम्मच शक्कर, घ में 2 चम्मच ग्लूकोज। अब बीकर क में 2 ग्रेफाइट की छड़ें डुबाते हैं और ग्रेफाइट के छड़ों को इलेक्ट्रोड की तरह जोड़ते हैं तथा इनमें तार के द्वारा बल्ब और 9 वोल्ट की बैटरी भी जोड़ देते हैं। इस प्रकार से बीकर है, इसमें विलयन ग्रेफाइट की 2 छड़ें और इनको ऐसे विद्युत से जोड़ा गया है, बैटरी और बल्ब। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ग्रेफाइट की छड़ें आपस में स्पर्श ना करें। हम चारों बीकर को अलग अलग से अवलोकन करेंगे। इसमें आप पाएंगे कि बीकर ख क और ख में बल्ब जलेगा, जबकि ग और घ में बल्ब नहीं जलेगा। इससे पता चलता है कि नमक और
कैल्शियम क्लोराइड में वैद्युत संयोजकता बंद होने के कारण विद्युत का चालन होता है तथा शक्कर एवं ग्लूकोज में सहसंयोजक बंद होने के कारण विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इस अध्याय से हमने सीखा कि आयनिक बंध का निर्माण में परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋण आयन का निर्माण करते हैं। विपरीत आवेश वाले आयन स्थिर विद्युत आकर्षण में बंध कर आयनिक बंध बनाते हैं। संसंयोजक बंध परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनता है। वहीं दो परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे द्वारा एकल बंध, दो इलेक्ट्रॉनों के साझे से द्विबंध और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों के साझे से त्रिबंध का निर्माण होता है। अक्रिय गैसें विन्यास प्राप्ति हेतु बाह्यतम कक्ष या संयोजी कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण किए जाते हैं या साझा किए जाते हैं वह उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और आयनिक यौगिक में जल आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं, उच्च गलनांक क्वथनांक वाले होते हैं, जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में आयनित हो जाते हैं तथा सहसंयोजी यौगिक आयनिक यौगिक के विपरीत जल में अविलय होते हैं, निम्न गलनांक एवं क्वथनांक वाले होते हैं तथा आयनीकरण इनमें नहीं होता है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिन्हें आप बना सकते हैं।